Very warm welcome to all of students. Before starting explanation of lesson, I am explaining some difficult words of the story to you. Difficult words: poignant, moving, marmic, chink, a narrow opening, darar, fleetingly, momentarily, chhan bhar ke liye, cardigan, a knitted woolen jacket, buni hui uni jacket, apparently, clearly, antique, very old, prachin, vases, flower pots, fuldan, reprovingly, rebuking, daantte hue, beckoned, gave a signal, ishara kiya, liberation, freedom, azadi, confronted, encountered, samne hue, cupboards, almiras, endured, tolerated, sahan kar li gayi, unthreatened, without any fear, bina kisi dar ke, curious, anxious, utsuk, errand, work, calm, Hanukkah, a Jewish festival of lights, Yahudiyon ka prakash utsav, cumbersome, heavy, bhari bharkam, horrified, scared, drihui, mark, sign, chin, pewter plate made of zinc, jaste ki plate, cutlery, knives, forks and spoons used for eating, churi kanta, jingling, sounding like small bells, chankana. You are advised to write these difficult words in your notebook and learn them. Marga Minko ki choti kahani, address, ek bahut hi marmik kahani hai, ek istri ki uski beti ke saath, jo अपने घर से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दूसरे स्थान पे जाना पड़ा। उसकी बेटी अपने शहर में वापस आई उसकी माँ की मृत्यु के बाद, काफ़ी समय बाद वह उस स्त्री से मिली जिसके पास उसकी माँ ने अपना सारा सामान छोड़कर जा चुकी थी, परंतु स्त्री ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। इसलिए उसने ये फैसला किया कि वो उस पते को भूल जाएगी जहाँ उनका सामान पड़ा था। वर्णनकर्ता, जो मिसिज एस की बेटी थी, 46 नंबर मकान मार्कोनी गली में खड़ी थी और उसने घंटी बजाई। एक स्त्री ने दरवाजा खोला परंतु उसने उसको पहचाना नहीं। वर्णनकर्ता ने अपना परिचय मिसिज डॉर्लिंग को दिया। वो स्त्री चुपचाप उसकी तरफ घूर घूर कर देखती रही। वह उसकी माँ की बुनी हुई हरे रंग की कार्डिगन पहने हुए थी। वर्णनकर्ता ने उसको बताया कि वह मिसिज एस की बेटी थी और विशेष रूप से गाड़ी से वह उसके पास आ चुकी थी। वह लड़की का किसी प्रकार से भी बात करने के लिए तैयार नहीं थी। वर्णनकर्ता अपनी पुरानी यादगारों में खो गई थी। उसकी माँ ने उसको मिसिज डॉर्लिंग का जो पता वर्षों पहले दे चुकी थी, वह उनके घर बार बार आती थी और उनकी चांदी का सामान, पुरानी प्लेटें और दूसरी घर की वस्तुएं अपने साथ ले जाती थी। वर्णनकर्ता दूसरी बार मिसिज डॉर्लिंग से मिलने के लिए उसके घर गई, परंतु उसकी 15 वर्षीय बेटी घर में उसे मिली। वर्णनकर्ता ने वहाँ देखा कि वो सभी चीज़ें जो वह स्त्री उनके पास से ले गई थी, उसकी माँ के द्वारा दी गई थी, उनको मिसिज डॉर्लिंग जो ले गई थी, उन सभी चीज़ों को उसने देखा। उसने वो सभी प्राचीन प्लेटें, कांटा, छुरी, सभी सामान उसने वहाँ देखा। वर्णनकर्ता को याद आया कि वह अपनी उसे गाड़ी पकड़नी चाहिए। वह बाहर निकली और उसने उस मकान का नंबर पढ़ा जो 46 नंबर मार्कोनी गली था। पता पूरी तरह से ठीक था, परंतु वह इसे भूल जाना चाहती थी। वो अच्छी चीज़ें जो कभी उसकी माँ की होती थी, वह अब उसके लिए उनका मूल्य समाप्त हो चुका था। उसे उन सब चीज़ों को भूलना पड़ा
और उस पते को भी उसने भूल जाना पड़ा जहाँ वो सभी चीज़ें रखी थी। ये सब कहानी के बारे में। नाउ रीड द स्टोरी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑल्सो। यू कैन ट्राई एक्सरसाइज क्वेश्चंस गिवन इन द टेक्स्ट बुक। राइट डाउन इन योर नोटबुक अबाउट द टू विजिट्स ऑफ द नरेटर टू मिसिज डार्लिंग्स हाउस नंबर 46 मार्कन स्ट्रीट। दिस इज योर होमवर्क। डिस्कस मी इफ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।